जय हिंद साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ठीक है ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है ठीक है ये इमेज उसमें डली है ये आइकन ये लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है यहां से आप इंस्टॉल करेंगे ठीक है अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा जी नंबर मांगेगा तो आपको ओ आएगा तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे समाज का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह होगा चलिए अब भी भाव समाज का उदाहरण क्या है यथाशक्ति इसका विग्रह क्या करेंगे तो इसका विग्रह यथा मतलब होता है अनुसार जैसे तो शक्ति के अनुसार फटाफट आपको कमेंट करना है समाज से दो प्रश्न कम से कम आते हैं इस हिसाब से आप समाज को कंप्लीट कर लें हम वो समाज ले आए जो तो बार बार पूछे जाते रिपीट हो जाएंगे लंबोदर में कौन सा समास है विग्रह करेंगे लंबा है उधर जिसका उसको क्या कहते हैं लंबोदर कहते हैं तो लंबा है उधर जिसका किन का उधर लंबा था हाँ तो गणेश जी का तो यहाँ पर तीसरा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा बहुग्री समास बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए जो व्याख्या करते हैं देश प्रेम में कौन सा समास है अब इसको हम विग्रह कर लें तो अपने आप समास का पता चल जाएगा अपन क्या करते हैं देश में प्रेम होता है कि देश से प्रेम होता है ऐसे कुछ होता है ना तो मैं से ये सब क्या तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत आ जाते हैं इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर कौन सा समास हो जाएगा यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नवग्रह में कौन सा समास है नवग्रह जल्दी से बता दीजिए नवग्रह मतलब होता है नौ ग्रहों का समूह तो जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो और समूह का अर्थ निकल रहा हो वहां पर दिगु समास होता है ठीक है समूह समाहार का अर्थ हो प्रथम पद संख्यावाची हो वनवास में कौन सा समास है जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें हाँ तो बनवास मतलब बन में वास तो सप्तमी तत्पुरुष है मतलब तत्पुरुष समास है पंचवटी कई बार पूछा गया है वेरी वेरी आई एम पी पंचवटी में कौन सा समास है तो पांच बटियों का समाहार प्रथम पद संख्यावाची और समाहार का अर्थ निकल रहा है ठीक है और लेकिन यहां पर बोल रहे हैं पंचवटी मतलब पांचवटियों का समूह उसको क्या बोलते हैं पंचवटी यहां पर बोलते हैं दिगु तो यहाँ पर दिया नहीं गया है इसमें ठीक है दिगु नहीं दिया गया मान लो कहीं पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बहुब्री लगा के आना बाकी है ये दिगु का ठीक है पंचवटी में तीसरा अर्थ निकलता है जहां पर राम मतलब रुके थे उस पंचवटी का बाकी है इसका दिगु फाइनल उत्तर ठीक है पंचानाम बटानाम समाहारा संस्कृत में भी इसका दिगु समास का ही उदाहरण है और देखें पीताम्बर में कौन सा समास है पीतांबर जल्दी से बता दे हाँ पीताम्बर में पीला है अम्बर जिसका ठीक है बहुब्री समास है युधिष्ठर कई बार पूछा गया है वेरी वेरी आई एम पी है युधिष्ठर में कौन सा समास है जल्दी से बता दें तो युधिष्ठर युद्ध में जो स्थिर है उसको क्या बोलते हैं तो बहुब्रीह समास है युधिष्ठिर ठीक है अब देखें संस्कृत में के ऐसे शब्द जिन्हें हम का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं जल्दी से बता दें तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न है इससे भी संबंधित लगभग दो प्रश्न व्याकरण के आ जाते हैं तो आपको बता दें वो शब्द क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में प्रयोग कर लेते और बदल जाते हैं तो तद्भव कहलाने लगते निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है तीन प्रकार के शब्द होते हैं रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ इनसे संबंधित भी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं तो तैयारी कर लें निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द आपको बताना है तो जो देखो यौगिक शब्द मतलब जो दो शब्दों के योग से बने हो ठीक है और रूढ़ जहां पर मतलब रूढ़ ही से उनका अर्थ निकले तो यहाँ पर सम वाचनालय में दो शब्द है समतल में भी है सिंगल होगा विद्यालय में विद्या प्लस आलय है पशु पशु शब्द को आप तोड़ नहीं सकते क्या हो गया रूढ़ सरल ट्रेके ही समझ ले कि जिन शब्दों को बीच से अपन विच्छेद नहीं कर सकते वो रूट कहलाते हैं शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा योग रूढ़ है अब योग रूढ़ यहां पर बताना ही कौन सा है तो योग रूढ़ में जैसे बहुप्री समास में अन्य अर्थ निकलता है ना वैसे ही इसमें भी अन्य अर्थ निकल जाता है एक प्रकार से ठीक है किसमें योग रूढ़ में ठीक है योग रूढ़ ये लगभग सामासिक टाइप के शब्द होते थे इसमें हो जाएगा पवित्रनी कुशलमनी बिनिनी ह हाँ, जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं जलज अर्थात कमल तो ऐसे वो कहलाते योग रूढ़ ठीक है प्रश्न पढ़ते जहाँ सब समझ में आ जाएगा निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है अब मैंने अभी बताया था रूढ़ की ट्रिक बताई थी कि भाई जिसको आप तोड़ नहीं सकते आप देख लो अपने आप पहचान जाओ मलयज मलय में जन्म लेने वाला जल जल में उत्पन्न होने वाला पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाले सब ए, योगरू योग शब्द के हैं तो वैभाव इसको तोड़ नहीं सकते व्यय को क्या करेंगे व्यय का कोई अर्थ ही नहीं होता है तो वैभाव इसका उत्तर ठीक हो जाएगा परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्गों में आता है महत्वपूर्ण है परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है तत्सम तदभाव देशत विदेशत इससे संबंधित प्रश्न है परीक्षा जल्दी से बता दे तो आपको बता दें कि परीक्षा शब्द है कैसा है तत्सम संस्कृत में ही परीक्षा बोलते हैं इंग्लिश में पेपर बोलते हैं आप मजिस्ट्रेट शब्द है कैसा है मजिस्ट्रेट भी कई बार पूछा गया आपने देखा होगा जल्दी से फटाक से कमेंट कर दें हाँ जी बिल्कुल सही मजिस्ट्रेट कैसा है विदेश सज शब्द है ठीक है दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें एक बार लाइक जरूर कर दें दे दोस्तों और पूरे वीडियो क्रम से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा के जरूर देखें टॉप फिफ्टी स्टडी पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है देशा जब यहाँ पर बताना है हाँ जल्दी से बता दें बिल्कुल सही लोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा देशज शब्दों में झलक जाता है कौन सा देसी है अपना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है ठीक है ये आ गया लोटा ऐसा रिपीट हो गया क्या रिपीट हो गया कोई बात नहीं चलो आगे स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ये महत्वपूर्ण है परिभाषा जल्दी से बता दें स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं वो कहलाते हैं यौगिक स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती दो शब्दों से मिलकर के बनते जैसे हिमालय हिम प्लस आलय स्वतंत्र सत्ता नहीं है हिम का भी सहारा लिया आलय का भी ऐसे निम्नलिखित में ऐसे यौगिक शब्द है अब देखो यहाँ पे ठीक है अब आ, अपने आप आप लगा लीजिएगा जो दो शब्दों के योग से मिला हो लेखक कोई दो शब्द नहीं है इसमें इस है विद्यालय में देखो विद्या प्लस आलय से मिलकर के क्या बना है विद्यालय इस प्रकार से आपको लगाना है ठीक है आगे देखते हैं लाइक जरूर कर देना प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द सूक्ष्म जो अंतर कह व्यक्त करते हैं वो कहलाते हैं, समानार्थी समान होते हैं जैसे नीर कह दो चाहे पानी कह दो ऐसे इस प्रकार से होता है ना तो ऐसा प्रकार से यौगिक शब्द कौन सा है यौगिक अभी हाल बताया था कि दो शब्दों के योग से मिलकर के बना हो पंकज सिंगल शब्द दिन भी जलज भी पाठशाला पाठ और शाला इनसे मिलकर के बना है प्रैक्टिस करते जाए अपने आप आने लगेंगे विभावरी किस प्रकार का शब्द है आई प्रश्न है विभावरी कैसा है तत्सम है जिनको आई एम पी बोले मतलब उनको आपको रट लेना है योग रूट शब्द कौन सा है योग रूट बता रहा था तीसरा अर्थ निकले तो अभी इसमें समास ही एक आ गया था जहां पर तीसरा अर्थ निकल रहा था कौन सा आया था अपन ने इसी वीडियो में पढ़ा है जल्दी से बता दें हाँ लंबोदर लंबा है उधर जिसका ऐसा गणेश जी योग रूट में तीसरा अर्थ निकलता है क्योंकि शब्दों में योग एक शब्द जो सिंगल होते हैं सॉरी रूढ़ शब्द जो सिंगल होते हैं यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर मतलब के बने हैं योग रूढ़ मतलब बहुब्रीह समाज के उदाहरण तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला ऐसा आप समझ लें नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन किए तस्सम मतलब जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते वैसे हिंदी में होते हैं तद्भव मतलब जो संस्कृत से तो आए लेकिन हिंदी में आते आते बदल गए ठीक है इस प्रकार से आप लगा लेना आ, हाँ कौन सा हो जाएगा गोधूम ये क्या है तत्सम शब्द है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए जल्दी से बता दें आई क्या रिपीट हो गया कई बार हो जाता है क्वेश्चन पीडीएफ के कारण देखें दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए अब तद्भव आपको बताना है इनमें से कौन सा है हाँ तद्भव बताना है तो बैंक तो ये इंग्लिश शब्द हो गया मर्म भी नहीं है प्रलाभ भी ये तो तत्सम है मोह हो जाएगा मुख होता है ना संस्कृत में तो मोह क्या हो गया हिंदी में आते हैं तद्भव हो गया है कि सबसे छोटी इकाई क्या है शब्द की यहाँ पर सबसे छोटी इकाई पूछी गई है तो आपको बता दें शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो तो क्या है वर्ण वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं शब्द हमारे बताने से पहले कमेंट में आपको बतलाना है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द है चार शब्द दिए हैं इनमें जाति कौन सा है तो आपको बता दें कि जातिवाचक जो शब्द है वकील ठीक है वकील कह देने से सारे वकीलों का बोध हो जाता है एक प्रकार से निम्न में ऐसे अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं अल्प प्राण लाना है जल्दी से बता दें तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाता है ठीक है तो इसमें से आपको बता दें का पहला अक्षर है वर्ग का ठीक है आपने पूरी वर्णमाला ना पढ़ी हो तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा जिससे कि आप वर्णमाला देख लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा तो जैसे कबर का का खा तो दूसरा नंबर का है गा तीसरे तो खा गा एक तीन ठीक है ये तो कहलाते अल्प प्राण निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है तो आपको बता दें कि संस्कृत में जब मैंने उच्चारण स्थान पढ़े थे तो उसमें एक सूत्र आया था वकारस दंतोष्टम मतलब वाह जो है भाई क्या है दंतोष्ट है वाह याद रखिएगा। चूड़ी अच्छी थी मैं थी कौन सी क्रिया है चूड़ी अच्छी थी मैं जो थी है वह बताना है कौन सी क्रिया है जल्दी से बता दें दोस्तों तो भाई जो थी है भाई योजक क्रिया है कौन सी है योजक भूखे को खाना दो रेखांक के शब्द में कौन सा कारक है भूखे को खाना दो जल्दी से बता दें कारक लगा लें तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भूखे को तो भूखे को, को मैं यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा मतलब भूखे को मतलब दो खाना दो देने के अर्थ में वैसे ही संप्रदान कारक होता है चतुर्थी होती है ठीक है तो याद रखिएगा आगे निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए संबंध कारक वाक्य को पहचानना है जल्दी से पहचान के उत्तर लिख दें कमेंट में तो संबंध कारक जो वाक्य है वह है राधा का कुत्ता ठीक है राधा का कुत्ते संबंध बहुत तेज दौड़ता है संबंधवाचक वाक्य हो गया हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानिए जल्दी से बता दें क्या हो जाएगा इसका उत्तर कौन बतलाता है तो प्रतिदिन तो एक अव्यय है प्रति अव्यय है ना इस प्रकार से प्रतिदिन पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है पुस्तक रखी है पुस्तक रखी है, है एक पुस्तक रखी इसलिए पुस्तकें रखी हुई है बहुवचन होता है या दुई बचन तो दो पुस्तकें होता लेकिन यहाँ पुस्तक रखी है तो एक वचन है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए पूर्ण वर्तमान काल मतलब जुकार हो चुका है ठीक है तो जैसे अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है मतलब हो गया ठीक है ये तो चल रहा है ये भी चल रहा है या भविष्य है तो ये हो गया है ये ठीक हो जाएगा दोस्तों तो प्रश्न पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना निम्नलिखित में से विशेषण है कौन सा विशेषण है जल्दी से बता दें विशेषण तो आपको बता दें कि शीतलता क्या है विशेषण है उष्णता शीतलता विशेषण होते आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है आचार्य स्त्रीलिंग में दिया है पुल्लिंग क्या होता सब लोग जानते हैं आचार्य तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्वी कई बार पूछा गया है तपस्वी का तपस्विनी होता है ठीक है तपस्वनी अन्य अन्य शब्द की युग्म का सही अर्थ भेद चुनिए तो अन्य मतलब तो होता है अनाज वो अन्य मतलब होता है दूसरा तो इस प्रकार से आप चुन सकते हैं ठीक है एक पकड़ में आ जाए ना तो आधे ऑप्शन तो वैसे ही चले गए ऐसे खिलौना शब्द में मूल शब्द है चलिए बता दी कौन सा मूल शब्द है कौन सा प्रत्यय लग करके फिर बना है तो मूल शब्द है खेल ठीक है आगे देखें दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए हैं उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर तथा अनुकूल लिखिए ऐसे ही प्रश्न बहुत आते हैं मैंने देखा हिंदी में यमुना नदी को खाली स्थान भी कहते हैं एक प्रकार से उसका पर्यायवाची ही बताना है यमुना का जल्दी से बता दें तो यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ अलंकार होता है एक बार प्रोत्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है श्लेष अलंकार होता है ठीक है पंच परमेश्वर गद्य की खाली स्थान विधा है पंच परमेश्वर क्या है सबने पढ़ी भी होगी ये जल्दी से बता दें ये क्या है कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की ठीक है हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है बैरी वेरी आई एम पी प्रश्न है तो अभी जिनका हमने नाम लिया था ऐसे श्री मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है कहावत का दूसरा नाम है कहावत का दूसरा नाम जल्दी से बता दें कहावत बत को कहते हैं लोकोक्ति नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको दिए गए चार विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के समानार्थी हैं ठीक है समानार्थी चुनना है तो व्यसन अब जल्दी से बता दें कि व्यसन का इसमें से क्या हो जाएगा फटाफट दें बहुत सारे मित्र इतने अच्छे उत्तर देते हैं लगता है कितनी अच्छी तैयारी है कुछ लोग अभी पीछे हट जा रहे हैं उत्तर ही नहीं दे रहे तो व्यसन कहलाता है बुरी आदत क्या बुरी आदत को क्या कहते हैं व्यसन कहते हैं बिरले बिरले मतलब क्या होता है जल्दी से बता दें तो बिरले मतलब तो जो आसानी से ना मिले बिरले तो दुर्लभ आजीविका 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 जल्दी से बता दें आजीविका हाँ सब लोग सही पहचाने रोजी रोजी रोटी, रोटी आजीविका वही, सुशील सुशील के लिए बता दें सही अर्थ सुशील मतलब होता है एक प्रकार से जो शीतल हो ठीक है शांत मतलब व्याधि व्याधि किसको कहते हैं ठीक है तो सब लोग जानते हैं भाई व्याधि व्याधि किसको कहते हैं व्याधि 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 मतलब होता है रोग ठीक है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और यहाँ पर जो सुशील आया था मेरे को निवेदन है कि सुशील का शीतल तो हो गया सच्चरित ज़्यादा बेस्ट इसमें लग रहा है मुझे थोड़ा कन्फ्यूज सच्चरित आप कर लीजिएगा सुशील मतलब जिसका सील मतलब चरित्र अच्छा हो सच्चरित्र आप इसको कीजिए सुधार लीजिए सॉरी क्षमा से आता हूँ पहला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ठीक है तो पहले बता दें आपको सर्वनाम कौन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो आज अब है घर भी नहीं है सीमा रीमा ये तो नहीं हाँ मैं ठीक है मैं यहाँ पे आ गया तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं क्या है सर्वनाम है तो बी उत्तर ठीक हो जाएगा आगे विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं किसकी विशेषता बतलाते विशेषण तो आपने पढ़ लिए तो आपको बता दें कि विशेषण जो है वह संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं किसकी बतलाते हैं संज्ञा की आगे उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है उसने टेढ़ी चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा तो उसने आ गया कर्ता कारक है ठीक कर्ता ने कर्म को ऐसा आता ना तो कर्ता ने तो कर्ता कारक है वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए दिन भर कैसा अव्यय है अव्यय के भी कई भेद हैं तो दिनभर किस प्रकार का अव्यय है तो आपको बता दे कि दिन भर जो है वह इसमें कैसा हो जाएगा निपात है कैसा है निपात अव्यय है अव्यय अब्वे के आप भेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको पूरी सिलेबस के अनुसार हिंदी की विस्तार से तैयारी करनी है तो यूट्यूब पर आप सर्च करें टॉप फिफ्टी स्टडी और हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी की जा करके देख लें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कोष्ठक में दिए गए ब्राम चिन्ह का नाम बताएं इस चिन्ह को क्या कहते हैं कौन सा चिन्ह है कई बार आपने वाक्यों में देखा होगा इस चिन्ह लगा हुआ तो ये क्या है विस्मय बोधक चिन्ह है ठीक है विस्मय बोधक जब कोई विस्मय की बात करते हैं तब ये चिन्ह लगाया जाता है वाच्य कितने भेद होते हैं सभी को पता है कि भाई वाच्य तीन प्रकार के हैं कर्तवाच्य कर्मवाच और भाववाच ठीक है तीन प्रकार के होते हैं अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है आपको पहचानना है तो आपको बता दें तुर्की भाषा का इनमें से पैगम्बर जो है वह तुर्की का नहीं है बाकी बेगम बारूद और चीचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं कई बार हम बता चुके हैं तो रट जाना चाहिए आपको कि यारा लावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है अयोग बाय होते हैं अम अहा ठीक है ऊष्म्यंजन सा साह स्पर्श का से लेकर के माँ तक तप के पच्चीस वर्ण सब स्पर्श कहलाते हैं ऊष्म कहलाते हैं सासा साह अंतस्थ लावा अयोग बाय अमहा ऐसे पूरे क्रम से हमने आपको याद करा दिए हैं आगे निम्नलिखित में ऐसे संयुक्त व्यंजन कौन सा है संयुक्त व्यंजन आपको बतलाना है इनमें से कौन सा है तो ग्या है गया किससे मिलकर के बना है जा और या से मिलकर के क्या बना है गया याद रखिएगा इसलिए कैसा है संयुक्त व्यंजन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है पुल्लिंग आपको बताना है दोस्तों कौन सा शब्द है पुल्लिंग तो आपको बता दें कि इसमें से पुल लेंगे संचालक ठीक है दिव्या भवदिया और साध्वी तो स्त्री लेंगे आगे व्याकरण में काल का क्या अर्थ है व्याकरण की अपेक्षा से काल का अर्थ पूछा है वैसे तो काल के कई व्याकरण में काल का अर्थ है समय काल का अर्थ मृत्यु भी होता है लेकिन व्याकरण की अपेक्षा में क्या होता है समय ठीक है किसी शब्द के उच्चारण में इतना काल लगना चाहिए काल मतलब समय इस प्रकार से समझ सकते हैं जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा जागना का प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा तो जागना स्वयं जाग रहा है दूसरों को कर रहे तो क्या क्या हो जाएगा जगाना ए कुछ दो बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं सभी लोगों को कमेंट में उत्तर देना है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है इस बात में अशुद्ध स्पष्ट कीजिए कौन सा इसमें से अशुद्ध है जल्दी से बतला दें तो आपको बता दें मुझे आज खाने का मन नहीं होती है ये गलत लग रहा है नहीं होता ठीक है नहीं होती है ये गलत है बाकी सब सही है तो नहीं होता है हो सकता है था सही लेकिन एन किया तो डी मतलब गलत है ये पयोधि शब्द का समानार्थी ही बचाना है मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची बताना है आपको पयोधि जल्दी से बता दें भाई दोस्तों पयोधी पयोधी का होता है समुद्र ठीक है समुद्र को क्या बोलते हैं पयोधी पय मतलब जल उदधि पयोधि ठीक है समुद्र हो सकता है दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए हैं उचित का चयन कीजिए अब देखना विलोम अथ कई बार पूछा गया अथ का और बिल्कुल ऐसा रटा है कई दोस्तों को तो आपको क्या बताऊं जल्दी से बता दीजिए अथ मतलब प्रारंभ इति मतलब समाप्त ऐसे इति हो जाएगा तामसी ठीक है तामसी इसका बता दीजिए जल्दी से तो एक तो होता है तामसिक प्रवृत्ति तामसी और एक होता है सात्विक प्रवृत्ति तो क्या हो जाएगा सात्विक तामसी का सात्विक आगे दुष्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी प्रवृत्ति तो इसका अब जल्दी से क्या हो जाएगा दुष्प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति तो यहाँ पर हो जाएगा सदवृत्ति बहुत सरल हैं दोस्तों ऐसे कई वीडियो लाए हैं कई आगे लाना है बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी करते जाइए बंधन बंधन मतलब होता है बंधना ठीक है तो इसका आ, क्या हो जाएगा भाई बिलोम शब्द जल्दी से बता दें तो बंधन मतलब बंधना और मोक्ष मतलब छूट ना मुक्ति नश्वर नश्वर का क्या हो जाएगा बिलोम शब्द बिलोम की ट्रिक भी हमने पढ़ाई है तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लें कैसे निकालते हैं बिलोम बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए तो नश्वर का हो जाएगा जो है शाश्वत ठीक है नश्वर मतलब नष्ट होने वाला शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला आगे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए हैं उपरयुक्त तो विकल्प चुनिए ठीक है भाई ये रिक्त स्थान दिए इसमें क्या सही शब्द होगा वो आपको चुनना है भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है किस चीज़ की भारत की अब देख कई बार आपने सुना होगा नेताओं के मुख से खासकर बर्ड आपने सुना है तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है ठीक है आगे स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर अपना देवत्व खो बैठते हैं किसके मतलब छल प्रपंच के कारण तो जल्दी से बता दें कि स्वभाव के देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के, के खाली स्थान होकर क्या होकर के अपने देवत्व को खो बैठते हैं तो उसके बसीभूत होकर उसके बस में हो जाते हैं चल प्रपंच में वो अपने देवत्व अपने अच्छे स्वभाव को खो बैठते हैं आंचलिक उपन्यास के रूप में खाली स्थान प्रसिद्ध हुआ आंचलिक उपन्यास सबसे बहुत बड़ा फेमस उपन्यास है कौन सा है आंचलिक उपन्यास तो आपको बता दें कि आंचलिक उपन्यास के रूप में फेमस हुआ है मेला आंचल अब एक प्रश्न में आपको कमेंट में लिखने के लिए देता हूं कि मेला आंचल किसकी रचना है आप बताइए देखते हैं कितने मित्र कमेंट में सही बताते हैं नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको बतला दूंगा ठीक है आगे जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति खाली स्थान होता है क्या होते हैं आपका एक लक्ष्य है कि एक हमें अच्छी नौकरी चाहिए एक सरकारी जॉब चाहिए है तो आप उसके प्रति क्या हैं ऐसे लगा लिया करें आप बिल्कुल हिंदी क्योंकि हमारी डेली बोलने वाली भाषा है हिंदी को प्रतिदिन हिंदी ही बोलते हैं हमारी मातृभाषा हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में है तो आपको मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में कठिनाई होनी चाहिए बस आपको पते होते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि हमें पता था इसका उत्तर ही है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है समर्पित ठीक है इस प्रकार से होता है आसानी से बनेगा दोस्तों और हमारे जो आप हमें एक प्रकार से टेस्ट सीरीज आपकी समझ लें ये जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं आप लगा लें पूरे तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है व्याकरण काव्य शास्त्र हिंदी भाषा बोलियाँ सबकी तैयारी हो जाएगी इसमें मामा जी के हाथ में मानो खालिस्तान का खजाना लग गया था किस चीज़ का खजाना लग गया था ठीक है खजाना किस चीज़ का होता है किस चीज़ का खजाना सबसे ज़्यादा फेमस होता है तो कुबेर का खजाना ठीक है क्या कहते हैं कुबेर का खजाना पर नहीं बोलते भाई तुम्हें किसी के कुबेर का खजाना हाथ लग गया का जो इतने प्रसन्न दिख रहे हो तो कुबेर का खजाना आगे देखें देखी सुदामा दीन दशा करुणा करु के करुणा निधि रोए कई बार पूछी गई पंक्ति है कि इसमें कौन सा रस है तो सुधामा की दीन दशा को देख करके जो करुणा निधि हैं कौन श्री कृष्ण वो करुणा करके रो गए आपने वो दृश्य देखा होगा सुना होगा टी में जब सुधामा मिलने जाते हैं श्री कृष्ण जी से तो वो ही है तो अब इसमें कौन सा अलंकार की जहाँ पर करुणा की जा रही है करुणा आ रही है ठीक है तो वहां पर करुण रस हो जाएगा सीधी, सीधी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है, है ना तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ठीक है ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है है ठीक ये इमेज डली है ये आइकन ये लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है यहां से आप इंस्टॉल करेंगे ठीक है अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको ओटीपी आएगा तो आप रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ेंगे